हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। शिक्षा वृत्ति जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास लाता हूं और जो आप कमेंट करते हैं उन पर भी वीडियो बनाता हूं। कल दोस्तों एक मैं वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं। और मुझे खुशी हुई कि मेरे इस चैनल के ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो ऑलरेडी चैनल बना लिया है और करीबन 6 महीने से या साल भर से उस पर काम भी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उस हिसाब से उन्हें व्यू और सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं। तो उसका क्या कारण है, आज डिस्कशन इसमें यही करेंगे दोस्तों कि किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। साथ में शिक्षक वृत्ति के जो भी कमेंट हैं उनके पहले रिप्लाई दे दूं। सबसे ज़्यादा कमेंट कल ये आया कि सर वर्ग 3 की फाइनल लिस्ट कब जारी होगी जिससे हमारी ज्वाइनिंग हो सके। दोस्तों तो आपको स्वयं पता है क्योंकि 1 या 2 तारीख को ही ये अपडेट मिली थी कि आपकी जो जुलाई है उसमें ही ये लिस्ट जारी हो जाएगी, वर्ग 3 की, जिसे हम नियुक्ति लिस्ट कहेंगे, जिसके बाद आप नियुक्ति ले सकेंगे। लेकिन अभी तक जारी नहीं हुई है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन एक आपको मैं बता दूं कि जो ट्रांसफ़र आदेश जारी हुए हैं उसमें भी ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि वर्ग 3 के नियुक्ति के लिए जो पोस्ट स्वीकृत हुए हैं वहाँ पर किसी का ट्रांसफ़र ना किया जाए, यानी कि जो वर्ग 3 की पोस्टें हैं वो इस प्रक्रिया से मुक्त रखी जाए। तो यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र का कोई भी असर वर्ग 3 पर नहीं होना है दोस्तों। साथ में जो दिव्यांग जन हैं उनकी फिर से पुनः जांच हो रही है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है दोस्तों, हर जिले से हो रही है, तो वो काम भी थोड़ा धीमी गति से चल रहा है क्योंकि बहुत से दिव्यांग पहुंचते ही नहीं है। बहुत से दिव्यांग जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं क्योंकि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जाँच गहनता से हो रही है दोस्तों। और वर्ग 3 में ही नहीं, बहुत जगह वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी ऐसे केसेस आए हैं, तो उनकी भी जांच शुरू हो गई है दोस्तों। तो इससे भी जो है समय लग रहा है क्योंकि जो पोस्टें बचेंगी उस पर वास्तविक दिव्यांग को जो वेटिंग है वो क्लियर वहां पर हो सकेगी दोस्तों। तो इसलिए इसमें जो है समय लगता है क्योंकि गवर्नमेंट के काम है, वैसे ही समय लगता है, इस वजह से भी लग रहा है दोस्तों। अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है क्योंकि फाइनली आपने अपनी योग्यता तो प्रूव कर दी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, चॉइस फिलिंग हो गई, सब हो गई, सिर्फ लिस्ट जारी होनी है। और जुलाई चली रहा है और अपडेट जुलाई की ही आई थी, तो हो सकता है कि कुछ दिन में आपको आदेश देखने को मिल जाए। जहाँ तक बात करें वर्ग 2 के, बहुत से कैंडिडेट कहते हैं कि सर अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम किस बेस पर पढ़ाई करें। दोस्तों आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, बहुत कम समय मिलेगा तो अपने सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छे से बनाएं, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। आपका नोटिफिकेशन इसी महीने में या जो नेक्स्ट महीना है इसके बाद जो पहला सप्ताह है उसमें जारी हो जाएगा, और सितंबर में इसके एग्जाम की संभावना लग रही है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपको प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, यदि आपको, क्योंकि आपको मालूम कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ से टफ होता जा रहा है, पेपर भी जो है पहले से कठिन बनाए जा रहे हैं, तो आपको तैयारी करते रहना ही चाहिए। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो पढ़ाई करें कि जॉब करें, तो कोई ऐसा साधन जिससे आप घर बैठकर वीडियो डालें और अर्निंग हो जाए, तो यूट्यूब उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज मैं यहाँ पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसी रूम से मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी, यहीं से मैं अपने जो है वीडियो बनाता था, और आप लोगों का सहयोग प्रेम रहा क्योंकि आज करीबन हम 1 लाख के पास पहुंचने वाले हैं सब्सक्राइबर के रूप में। तो इसलिए मैं आपको गाइड कर सकता हूं थोड़ा बहुत कि सब्सक्राइबर किस बेस पर आते हैं। अगर मैं बात करूं वीडियो बनाने की तो करीबन 3000 से ऊपर वीडियो मैं इस चैनल पर डाल चुका हूं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आप वीडियो बनाएं, क्योंकि शुरुआत में मुझे इनमें से कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब एक्सपीरियंस है तो वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने शुरुआत की थी इसी से और इसी रूम से दोस्तों, और इस मोबाइल के साथ। ये मोबाइल जो था पापा जी ने गिफ्ट दिया था मेरे जन्मदिन के दिन 12 सितंबर 2015 को, ये गिफ्ट के रूप में दिया था। ये 3G मोबाइल था, तो इसका यूज मेरे लिए ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि सोशल मीडिया में एक्टिव था नहीं, और स्मार्ट फ़ोन का मतलब होता है कि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, चाहे फेसबुक हो या जितनी भी ऐप है उन पर एक्टिव रहें, मैं कम एक्टिव था। तो इसलिए स्मार्ट मोबाइल मेरे हाथ में आया तो सबसे पहले जो था मैंने इसको चलाना और जितनी भी ऐप थे उसके विषय में जानकारी हासिल की। और 2017-18 आते आते मुझे लगा कि शिक्षक भर्ती पर इतने फर्जी वीडियो बनते थे कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, यदि एग्ज़ाम हुए भी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे ऐसे तो लोग डीमोटिवेटेड हो रहे थे।
वहाँ पर मैं इस उद्देश्य से चैनल शुरू किया था कि कुछ लोगों को सही गाइडेंस मिल जाए और वो पढ़ाई ना छोड़ें, उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाए। और ऐसा हुआ भी दोस्तों। वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन के कई कैंडिडेट ज्वाइन हुए, उन्होंने कमेंट किए और कमेंट की वीडियो भी मैं लेकर आया, इस पर काफ़ी डले हुए हैं। तो एक उनका संघर्ष था, मेहनत थी, सिर्फ उन्हें ये विश्वास दिला देना कि ये एग्जाम होंगे, बस और कुछ नहीं, ये एग्जाम होंगे बस इतना। क्योंकि उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता था कि आप तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन एग्जाम ही नहीं होने, तो फिर वो तैयारी से दूर हटते थे और ये हो जाता था कि वो अच्छा कर सकते थे लेकिन अच्छा नहीं कर। तो हुआ यही कि उस बेस पर मैं वीडियो लाया। कैसे वीडियो बनाना है, क्या वीडियो बनाना है, वो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन आपके मन में सच्ची लगन हो और लोगों तक आपको पहुंचना हो तो माध्यम मिल ही जाते हैं, और ये सशक्त माध्यम था। कल मैंने बहुत सारे कमेंट भी पढ़े, बहुत सारे चैनल भी देखे और मेरे पास मेरे फेसबुक पेज पर काफ़ी मैसेज भी आए कि सर हम यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, आप बताएं कि कैसे चैनल क्रिएट करते हैं, कैसे वीडियो बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरा चैनल है वो एजुकेशन का ही रहने देते हैं हम। जैसे कि मैं अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स शेयर करता था पहले इस चैनल पे, फिर किसी ने सजेशन दिया कि सर ब्लॉग चैनल बना लें, उस पर शेयर कर दें, जैसे देखना हो वहाँ जाके देख लेगा। तो उस पर भी करीबन 4,500 जो है सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और उस पर भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ के विषय में डालता रहता हूँ वीडियो। और यदि आप कहेंगे तो एक अलग से चैनल जहाँ पर हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि जितने भी भाई बहन इस चैनल से जुड़े हैं, जो कि कहीं ना कहीं चैनल चला रहा है, चाहे कुकिंग चैनल, चाहे पढ़ाई का चैनल, चाहे स्पोर्ट्स का चैनल, चाहे मोटिवेशनल चैनल, उन्हें ग्रो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए बता सकता हूं कि आप मेरे यदि वीडियो देखोगे तो 1,000 से ऊपर व्यू आते हैं, और वो इसलिए आते हैं कि आप ऑनेस्ट हो और ऑडियंस से कनेक्ट करते हो, जो ऑडियंस को चाहिए वो उसको प्रोवाइड कराते हो, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हो। आप स्वयं देखें दोस्तों, आंदोलन हो रहा है तो क्या चैनल होना चाहिए जो सिर्फ आंदोलन को सपोर्ट करके आपके पद वृद्धि का समर्थन करे? और ऐसे काफ़ी चैनल हैं, तो मेरा ये रहा कि उन सभी चैनल को कनेक्ट कर सकूं और साथ में खुद भी वीडियो ला सकूं। तो आज ऐसे काफ़ी चैनल हैं जो कि ना तो कोर्स बेचते हैं, ना कोई नोट्स बेचते हैं, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी ज़रूरी हो, और साथ में आपको समर्थन कर रहे हैं आंदोलन के। काफ़ी चैनल हैं, तो वो सब एक कनेक्ट हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो इस जो चैनल है उसका उद्देश्य वही रहने देते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो एक अलग चैनल, और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि आपके घर में अर्निंग आने लगे वीडियो से, यदि आप वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि कल मैंने बहुत सारे चैनल देखे, किसी ने 400 वीडियो डाल रखे हैं, किसी ने 250 वीडियो डाल रखे हैं, किसी ने 100 वीडियो डाल रखे हैं, उनके व्यू 4 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं। तो बहुत सारी कमियाँ मुझे उसमें दिखी, और मैं कमियां कैसे देख सकता हूं, क्योंकि मैं खुद वीडियो बनाता हूं तो मुझे मालूम है कि यहां पर ये इनके अंदर है वो, लेकिन थोड़ी सी चाहे थंबनेल की प्रॉब्लम कर लो, चाहे टाइटल की प्रॉब्लम, क्योंकि मैं तो एक से टाइटल डालता हूं, क्योंकि मुझे मेरे ऑडियंस ऐसी मिल गए, मेरे भाई बहन परिवार जैसे, कि उनको ना थंबनेल से मतलब है, ना टाइटल से मतलब है, अतुल सर का वीडियो आ गया देखना है बस। तो अब वो मेरी एक अलग चीज़, मैं कुछ भी ना करूँ ना तब भी वो मेरे वीडियो देखेंगे, क्योंकि एक परिवार बन गया है हमारा, तो वो एक प्रेम है, एक विश्वास है। लेकिन आप जब चैनल शुरू करते हैं तो आपको परिवार बनाना पड़ेगा, जो भी आपके व्यूअर्स हैं उन्हें घर का सदस्य मानना पड़ेगा, और उनकी अच्छाई के लिए आप यदि वीडियो बनाओगे ना तो वो आपसे भी कनेक्ट कर जाएंगे। फिर आपका थंबनेल अच्छा हो ना हो, टाइटल अच्छा हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शुरू में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुझे एक कमी लगी बहुत से चैनलों में, और कुछ को मैंने सजेशन भी दिया कि आप जो है इस हिसाब से बदलाव करेंगे डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। कभी भी अपने चैनल को किसी चैनल से प्रमोट ना कराएं दोस्तों, क्योंकि आपका अतुल कुमार शर्मा जो चैनल स्टार्ट किया था ना, मैं किसी चैनल पे कमेंट करके ये नहीं कहा कि ये मेरे लिंक है इसको सब्सक्राइब, नहीं, आपके कॉन्टेंट में दम होना चाहिए, आप जो बात रख रहे हो ना वो सही होनी चाहिए, ऑडियंस तो अपने आप जुड़ती है, जो सदस्य हैं वो अपने आप आ जाते हैं। तो ये भी आप मेहनत ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है कि वो जगह जगह जो है अपनी लिंक शेयर करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपके व्यू डाउन ही होंगे, तो ये भी ना करें। कैसे आप चैनल बनाएं, कैसे उस पर काम करें,
क्या कर सकते हैं, और इसमें कोई खर्चा नहीं है दोस्तों। ये मेरा जो गिफ्ट दिया था पापा जी ने मोबाइल, और अभी तो मैं क्योंकि ये 3G था तो 4G लेना था, तो 4G मोबाइल से अभी सूट कर रहा हूँ। तो ये जो मोबाइल था ये मुश्किल से उस समय 5600 का था, 5600 का मोबाइल था, और बस इसमें मैंने कोई भी माइक वगैरह नहीं लिया था। माइक तो अभी यूज कर रहा हूँ, उस टाइम तो यूज भी नहीं करता था। और जो किताबें थी उससे इसको टिका लेता था और अपनी बात रख देता था सामने, बस इतना ही था। और बाकी का कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी की जो भाई बहन जुड़ते रहे, वो अपना काम करते रहे, चैनल को आगे बढ़ाते रहे, और अपने आप ही, क्योंकि अभी ये है कि शुरू में तो मैं कहता था कि शुरू के आप वीडियो देखोगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि सभी चैनल्स वाले ऐसा कहते थे, तो वो आदत थी कि हाँ ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में लगा कि किस बेस पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा वीडियो देख रहा है वो परेशान है, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। मैं उससे कहूँ कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर, तो कितनी मतलब अंदर से वो आवाज़ नहीं आती थी। तो फिर मैंने वो कहना ही छोड़ दिया। करीबन दो साल या ढाई साल से मैं अब कभी भी नहीं कहता, लेकिन फिर भी लगातार लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, जो है 99.99% लाइक्स मिलते हैं। हमेशा जो मेरे वीडियो होता है उसमें एक या दो लोग डिसलाइक करते हैं, बाकी के सब लाइक्स आते हैं दोस्तों। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप ऐसे वीडियो बनाएं जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स आएँ। यदि आपके वीडियो में डिसलाइक ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो समझो कि आप गलत जा रहे हो, और यदि आपके वीडियो में लाइक्स ज़्यादा हैं तो आप सही हो। 2-3 या 4, या मैं कहता हूँ कि 1% भी यदि डिसलाइक आ रहा है तो उसकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 99% भी यदि लाइक आ रहा है तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप क्या तैयार हैं सभी? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1-2 घंटे की मेहनत आप घर पर बैठकर करें, वीडियो बनाएं, और उससे करीबन आप जितना भी प्राइवेट में कमाते हैं, बहुत से बहुत 20,000 कमाते होंगे, 30,000 कमाते होंगे, हद से 40,000 कमाते होंगे, उससे कहीं ज़्यादा आप कमा सकें, तो एक आपकी जो बेरोजगारी है वो कुछ हद तक उससे दूर हो सकती है दोस्तों। और साथ में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहें, यदि वो पढ़ाई में आप सफल हो गए तो जॉब मिलेगी गवर्नमेंट, और यदि आप प्रयास भी कर रहे हैं तब भी आपको अर्निंग होती रहेगी दोस्तों। तो मुझे कल ये जानकर खुशी हुई कि बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनकी ऑलरेडी चैनल्स हैं, सिर्फ उनमें थोड़ा सा काम करना बाकी है, बाकी आपका चैनल चल जाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, 100% चल जाएगा दोस्तों आपका चैनल। तो ये वीडियो ऐसा ही था, ये आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।